उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को बाबा नारायण हरि उर्फ साकार विश्वहरी भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 116 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए उनके काफिले के पीछे दौड़ पड़े। सेवादारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसी दौरान भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते दिखाई दिए, भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। मृतकों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद भोले बाबा मैनपुरी के बिछवा स्थित अपने राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में पहुंचे। शाम होते होते यूपी पुलिस भोले बाबा की तलाश में उनके मैनपुरी आश्रम पहुंची और राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया, लेकिन भोले बाबा आश्रम में नहीं मिले। मैनपुरी के डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने कहा, हमें परिसर के अंदर बाबा नहीं मिले, वह यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस आएंगे और हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले का दौरा करते दिखाई दे रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिए हैं कि भोले बाबा जिनके कारण ये सत्संग रखा गया और जिनके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भोले बाबा जो है वो यहाँ पर फरार दिखाई दे रहे हैं। अभी तक पुलिस उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन कल से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिरकार भोले बाबा कहाँ गए। पर यहाँ पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब हाथरस जैसी जगह पर ये सत्संग किया गया तो क्या इस सत्संग के लिए परमिशन नहीं ली गई? क्या पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी? क्योंकि अगर आप इतनी सारी भीड़ को एकजुट इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे परिवारों ने अपने कुछ लोगों को खो दिया, कुछ बच्चों ने अपनी माता को खोया, कुछ माताओं ने अपने बच्चों को खोया। जैसे कि मैंने बताया, मरने वालों में अधिकतर संख्या यहाँ पर जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। अब भोले बाबा तो दूर है, पता नहीं कहाँ है, क्योंकि अभी तक इस हादसे के बाद भोले बाबा का ना तो कोई भी ट्वीट आया ना सोशल मीडिया पर किसी तरह के एक्टिव नजर आए। मतलब जिस भोले बाबा के लिए यहाँ पर सत्संग रखा गया और अब वही भोले बाबा यहाँ पर फरार दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो एक बार यहाँ पर जायजा भी नहीं ले रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भोले बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।